DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। आज वार्ड के अंदर हमने मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र के हेतु एक शिविर लगाया है। जो भी लॉकडाउन के अंदर हमारे वार्ड के अंदर मृत्यु हुई या जो भी नवजात पैदा हुआ, उसके परिवारजनों को और वार्डवासियों को हमारे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसके लिए वार्ड में हमने शिविर लगाया है। उसकी संपूर्ण जानकारी हमने इकट्ठी करके एक फॉर्म भरवाया, जो भी हमारे निगम के द्वारा है, वो फॉर्म लेके हम वहाँ निगम में देंगे और वहाँ से जो भी मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र बन के आएगा वो हम प्रत्येक के घर जाके उसका वितरण करेंगे, ताकि ये जो भी समस्या है अभी लॉकडाउन की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की, ताकि वहाँ पे भीड़ नहीं हो, निगम की वो बात ध्यान रखते हुए हमने सिविल लगाया, ताकि ये भी परेशान नहीं हो और हमारे निगम के कर्मचारी भी परेशान नहीं हो। और उसके साथ के साथ हमने जो हमारे वर्तमान के जो विधायक महोदय हैं, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी, उन्होंने एक योजना चलाई है कि जो भी लॉकडाउन के अंदर हमारे जो भी उत्तर के अंदर जो भी प्रियजन हमारे बिछड़े हैं, उनको अस्थियाँ उनकी जो हैं अस्थियाँ हरिद्वार ले जाने के लिए परिवार के प्रत्येक परिवार में से दो सदस्य अगर वो जाना चाहें तो उनको निःशुल्क विधायक महोदय द्वारा भेजा जाएगा और उनकी 80 परिवार की जो भी 80 हैं उनको विसर्जन करने का कार्यक्रम रखा गया। उसका भी हम नामांकन लिख रहे हैं कि भाई कौन कौन जाना चाहता है, वो भी उसके साथ के साथ हम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनका तो एक ही उद्देश्य है कि जो इस दुख की घड़ी है उसमें हम आप लोगों के साथ हैं, और जो भी अभी जो इस स्थिति के अंदर प्रत्येक आदमी को जाने की परमिशन मिले नहीं मिले, उस परमिशन को लेके हमारे विधायक महोदय जो परिवारजन है उनकी जो भी एक हिंदू समाज के अंदर एक धारणा होती है कि जो भी बुजुर्ग शांत हो या जो भी परिवारजन शांत होता है उसको हरिद्वार ढाला जाता है, तो वो अस्थियाँ उनके समय पर हरिद्वार पहुँच जाएँ, यही उद्देश्य है। उसके साथ साथ जो लॉकडाउन है, जो हमने ये चाहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं रहे, उसी लिए हमने शिविर लगाया ताकि हम उनको यहाँ पे सुविधा दे सकें। आपका नाम? प्रकाश, मेरा पार्सल। सर, मेरे फादर का 16 अप्रैल को एक्सपायर हो गए थे घर पर ही, तो आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि देवनानी जी वगैरह कुछ कार्यकर्ता मिलके अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जा रहे हैं, तो मैं भी अपने घर पे कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं भी अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि मुझे इनका सहयोग मिल सके और मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। अस्थि विसर्जन करवाने के हिसाब से मैं यहाँ कितने दिन पहले डेथ हुई थी पिताजी? 16/4 को, एक महीना हो गया है तब से अस्थियाँ मंदिर में रखी हुई है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले और उनकी अस्थियाँ विसर्जन हो जाए। क्या यहाँ पे संतुष्ट हो आप? हाँ, यहाँ मैं संतुष्ट हूँ। देवनानी जी और ये जो कार्यकर्ता यहाँ पे, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया मेरे को और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आगे सहयोग दे। आपका नाम? किशोर छंगानी। मेरे पिताजी स्वर्गीय नारायण दास छंगानी, निवासी अजमेर। धन्यवाद।